हमारा खून चार हिस्सों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, और रेड ब्लड सेल्स अर्थात लाल रक्त कोशिकाएं। किसी कारणवश अगर खून में आरबीसी की संख्या घट जाती है या बहुत कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर आपको खून जांच कराने की सलाह देते हैं, जिसमें हीमेटोक्राइट टेस्ट यानी HCT टेस्ट भी शामिल होता है। हीमेटोक्राइट का मतलब होता है पैक्ड रेड ब्लड सेल वॉल्यूम। खून में कितनी लाल रक्त कोशिकाएं उपस्थित है यह पता लगाने के लिए खून के सैंपल को हीमेटोक्राइट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाएं ट्यूब की तली में बैठ जाती है और हीमेटोक्राइट कहलाती है। पुरुषों में हीमेटोक्राइट नॉर्मली 0.4 होता है, महिलाओं में हीमेटोक्राइट की वैल्यू 0.36 होती है। जिन लोगों को गंभीर रूप से खून की कमी होती है अर्थात सीवियर एनीमिया होता है, उनका हीमेटोक्राइट 0.1 तक गिर जाता है। जिनमें आरबीसी का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा हो अर्थात पॉलीसाइथीमिया की अवस्था में हीमेटोक्राइट 0.65 तक भी बढ़ जाता है।